नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। रिसर्च पेपर या आर्टिकल के लिए किस तरह का एक स्टैंडर्ड पेज सेटअप होना चाहिए, उसके बारे में यह वीडियो है। जब आप किसी कॉन्फ्रेंस के लिए या फिर ऑनलाइन जर्नल में पेपर भेजते हैं पब्लिकेशन के लिए, तो उसके लिए जो भी यूनिवर्सल कुछ सेटअप है, कॉमन सेटअप है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। ये भी बता दूँ कि ये जो सेटअप के बारे में जो भी डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन कोई रूल्स नहीं है। ये हर एक कॉन्फ्रेंस का या फिर जर्नल का अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी जो कॉमन होता है उसके बारे में मैं बात करूँगा। जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पर ये डिज़ाइन किस तरह से होता है उसके बारे में बात करूँगा। पेज साइज़ क्या होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज़ कैसा होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग, मार्जिन, टेक्स्ट अलाइनमेंट, वर्ड काउंट, पेज नंबर और बिब्लियोग्राफी को किस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है, इसके बारे में यह वीडियो है। तो चलिए देखते हैं। ये सैम्पल मैंने तैयार कर लिया। पहले देखते हैं कि पेज सेटअप क्या होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड पेज सेटअप जो है वो है A4 साइज का स्टैंडर्ड माना जाता है। तो आप पहले अपने रिसर्च पेपर के लिए पेज साइज A4 कर लीजिए। ये हो गया पेज साइज के बारे में। उसके बाद आते हैं फॉन्ट के ऊपर। तो फॉन्ट में ये देखा जाता है कि ज़्यादातर जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या फिर पब्लिकेशंस होते हैं, उसमें फॉन्ट जो है वो टाइम्स न्यू रोमन मांगा जाता है। तो आपने किसी भी, आप अगर काम कर रहे हो तो टाइम्स न्यू रोमन ही सिलेक्ट कीजिए। फॉन्ट साइज होता है टाइटल का 14 और पूरे टेक्स्ट का जो होता है वो 12 होना चाहिए। 12 में जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो बोल्ड होने चाहिए, बाकी कंटेंट 12 होना चाहिए। उसके बाद आते हैं लाइन स्पेसिंग की तरफ। लाइन स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है ऊपर की लाइन, दो लाइन के बीच में कितना टाइम स्पेसिंग होना चाहिए। तो आप पहले पूरा पेपर सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ये लाइन स्पेसिंग यहाँ पर होगा। ये स्टैंडर्ड होता है 1.5, ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद मार्जिन्स क्या होने चाहिए, इंटरनेशनली जो एक्सेप्ट किए जाते हैं। आप पेज लेआउट में जाएंगे और मार्जिन में आपको कस्टम करना है। कस्टम मार्जिन्स में, मार्जिन्स पे आते हैं। मार्जिन्स लेफ्ट 1.5 और टॉप बॉटम और राइट में 1 होना चाहिए। यह है पेज मार्जिन के बारे में। उसके बाद आते हैं अलाइनमेंट के बारे में। जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है, ये टेक्स्ट अलाइनमेंट जो इंटरनेशनल एक्सेप्ट की जाती है वो है जस्टिफाइड। तो पहले आप पूरे सिलेक्ट कर लीजिए पूरा कंटेंट, और आपको करना है जस्टिफाइड। ये कंटेंट सिलेक्ट, ये अलाइनमेंट सिलेक्ट की जाती है क्योंकि आप देखिए इसे क्या होता है, ये जो दोनों लाइन है वो बिल्कुल एक लाइन में आ जाती है, लेफ्ट और राइट दोनों में। अगर हम लेफ्ट में करते हैं तो इस तरह से दिखाई देता है, हमें राइट साइड में कुछ जो लाइंस होती है वो एक लाइन में नहीं दिखाई देती, इसलिए हम उसको करते हैं। पूरा जो पेपर होगा हमारा जस्टिफाइड अलाइनमेंट में होना चाहिए। ये है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। सिर्फ इसमें जो एक्सेप्शन है वो है हमारे जो टाइटल है, वो टाइटल हमें सेंट्रल अलाइनमेंट में रखना है, और जो हमारा नाम और डेसिग्नेशन है वो भी हमें सेंट्रल अलाइनमेंट रखना है। टाइटल छोड़कर बाकी जो कंटेंट है वो हमने जस्टिफाइड में कर लिया। और एक बात है, जो अगर हमने चार्ट और टेबल लिए तो उसकी भी अलाइनमेंट हमें सेंटर ही रखनी चाहिए, उसको जस्टिफाइड नहीं करना चाहिए। उसका टाइटल और चार्ट, उसको भी हमें सेंट्रल अलाइनमेंट में रखना है, उसको जस्टिफाइड नहीं करना है, उसको बाद में आपको सेंटर में कर लेना है। उसके बाद आता है वर्ड काउंट दिया जाता है, वर्ड लिमिट दिया जाता है, कितने वर्ड में आपका पेपर होना चाहिए। तो जो भी आपके वर्ड है आप उसको पूरे सिलेक्ट कर लीजिए, और आप यहाँ पर नीचे स्टेटस बार में देखेंगे कितने वर्ड्स टोटल है। तो लगभग जो पेपर्स होते हैं 2000 वर्ड्स के लिमिट के आसपास होते हैं, थोड़ा इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। ये वर्ड्स आपको यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटस बार में। उसके बाद पेज नंबर आपने किस तरह से देने चाहिए, पेज नंबर आपने देने चाहिए बॉटम में। जैसे हम इंसर्ट में आते हैं, पेज नंबर्स बॉटम ऑफ द पेज और सेंटर में हमें रखने हैं। ये अलाइनमेंट एक्सेप्ट की जाती है पेज नंबर के बारे में। उसके बाद आते हैं लास्ट में बिब्लियोग्राफी, जो किस तरह से की जाती है। बिब्लियोग्राफी में हम ये देखते हैं बिब्लियोग्राफी में इस तरह से किया जाता है, बिब्लियोग्राफी किस तरह से लिखी जाती है उसके बारे में एक अलग वीडियो मैंने बनाया है। आप यहाँ पे देखिए कि सेटिंग किस तरह से की जाती है। तो फर्स्ट लाइन्स के बाद जो दूसरी लाइन आती है उसको एक इंडेंट पीछे किया जाता है। इस तरह से ये इंटरनेशनली APA स्टाइल एक्सेप्टेड है। अब इसको किस तरह से करते हैं, इसके लिए मैंने ये एक टाइप किया है यहाँ पर। अब जब मैं यहाँ पर इस लाइन को पीछे करने का ट्राई करता हूँ, तो यहाँ स्पेस बार से नहीं करना है क्योंकि ये हर लाइन के लिए अलग अलग हो जाएगा।
इसलिए आपको इसको टैप से करना है। जब जैसे मैंने टैप करने के बाद दोनों लाइन पीछे जाती है, तो आपको ये करना है कि आप कर्सर सेकंड लाइन पे रखिए और एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप